नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जब बॉलीवुड फेस्टिवल का 20वां एडिशन हुआ तो ये पूरा समारोह कई मायनों में यादगार बन गया। इस फेस्टिवल में कई मुल्कों की फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय सिनेमा का रंग कुछ अलग ही देखा जा रहा था। जहां भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई तो सिनेमा में योगदान के लिए अवार्ड्स भी दिए गए और सुलोक की मलिका लता मंगेशकर को याद भी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड फेस्टिवल नॉर्वे का 20वां संस्करण भव्य आयोजन के साथ राजधानी ओस्लो से कुछ ही दूर लॉरेंस कुक कुल्टुरहुस सेंटर में हुआ। वहीं फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी ने इसे और रंगीन बना दिया। ये फेस्टिवल हर साल लोगों को मूल और प्रामाणिक कहानियां सुनाने के लिए नए तरीकों का अनुसरण करता है। जहां ये फेस्टिवल अनुभवी फिल्म निर्माताओं के साथ पैनल चर्चा, सिनेमा जगत को लेकर नए दृष्टिकोण, नए विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। महोत्सव में कई बॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके मुख्य आकर्षण में एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल, अभिनेता फिल्म निर्माता राहुल मित्रा और लेखक अभिनेता निर्देशक सौरभ शुक्ला को पुरस्कार समारोह में शीर्ष सम्मान से नवाजा गया। जहां लॉरेंस कुक के मेयर रैगन हिल्स बर्गहाइम ने एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया, जबकि दिग्गज अभिनेता फिल्म निर्माता सौरभ शुक्ला और राहुल मित्रा को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक सफल नाम राहुल मित्रा ने भारतीय सिनेमा के एक सॉफ्ट पावर होने पर अपने विचार साझा किए। इंडियन सिनेमा is the biggest soft power. We are here in this beautiful country, Norway, and through that very cinema, we are all connected. महोत्सव के निदेशक नसरुल्ला कुरैशी ने दुनिया के इस हिस्से में भारतीय सिनेमा को लोकप्रिय बनाने के लिए पिछले 20 वर्षों की अपनी यात्रा साझा की। पुरस्कार समारोह के बाद भारतीय और नॉर्वेजियन डांसिंग ग्रुप ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को रंगारंग बना दिया। इस फेस्टिवल में भारत की महान सुरों की मलिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि भी दी गई, जहां भारतीय, नॉर्वे और ब्रिटेन के कलाकारों ने अपनी अपनी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी।